वेलकम क्लास सिक्स चैप्टर टू केमिस्ट्री सकीना पब्लिक स्कूल। आज हम फिर से दोबारा से जुड़ रहे हैं आपसे अपना चैप्टर केमिस्ट्री का लेके और केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर लेके। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ मैटर के बारे में बात की थी, हमारा टॉपिक है मैटर। तो हमने आपको बताया था कि इस प्लैनेट पर हर वो चीज़ जिसमें मास हो और जो जगह घेरती हो, एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और अगर ये दो फैक्टर्स को डेफिनेशन पूरा नहीं करती दैट इज नॉट मैटर। तो मैटर के लिए जरूरी है कि उसके पास मास हो और उस चीज के पास, उस ऑब्जेक्ट के पास, और उसके पास जगह घेरने की कुव्वत हो, यानी वो कुछ जगह घेरती हो जहाँ उसको रख दिया जाए या जहाँ उसको एडजस्ट कर दिया जाए, वहाँ पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। ऐसी किसी भी चीज़ को हम मैटर कहेंगे। मैटर के बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं जिनके पास मास है और जिनके पास जगह घेरने की कुव्वत है या जगह घेरती है, तो वो सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। फिर हमने आगे बढ़े तो हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर के लिए हमने आपको शुरू में बताया था कि ऐसे देखने में हमको पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ें इसमें एक्चुअली साइंटिफिकली ये किन चीज़ों से बना होगा। साइंटिफिकली बहुत हर एक मैटर बहुत टाइनी पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। टाइनी पार्टिकल्स को फिर आगे चल के हम कहेंगे एटम्स से, और एटम्स के बाद हम कहेंगे, क्योंकि एटम जो है वो एक ऐसी यूनिट नहीं है जो सिंगली एग्जिस्ट करे, तो एटम जो है वो हमेशा ग्रुप बना के रहते हैं, कुछ को छोड़कर, जैसे हाइड्रोजन को छोड़कर ग्रुप बना के रहते हैं, दे एग्जिस्ट इन ग्रुप्स। और एटम्स के ऐसे ग्रुप्स को मॉलिक्यूल कहते हैं। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, एटम अकेले नहीं मिलेंगे, अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे। और ग्रुप में ये जो एग्जिस्ट करते हैं तो इस ग्रुप को कहते हैं मॉलिक्यूल। ये हो सकता है कि इस ग्रुप में एक से ही एटम हो या इसमें डिफरेंट काइंड के एटम्स हो, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हो। जैसे अगर हम कहें कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए दो एटम्स ऑक्सीजन के हिस्सा लेते हैं, और हम सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं कैपिटल ओ और सबस्क्रिप्ट टू, यानी इसके नीचे टू लगा रहता है। इसका मतलब ये है कि दो ऑक्सीजन के दो एटम्स ने मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाया है, और मॉलिक्यूल वो रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी एलिमेंट का जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हों और जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता हो। तो मैटर को बनाने के लिए जो कॉम्पोजिशन कहेंगे हम मैटर का, वो ये है कि एटम्स जो टाइनी पार्टिकल्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना होता है, और इसमें एक तरह के एटम्स हो सकते हैं या इसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम्स भी हो सकते हैं। तो ये कंपोजिशन के लिए टाइनी पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल को याद रखना है। अब इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमको ये याद रखना पड़ता है कि इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये जो एक दूसरे से करीब रहते हैं या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, इसके लिए इनके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और चूंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इसका नाम है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये भी दो तरह का होता है, अगर एटम्स की काइंड या टाइप एक ही तरह का है तो इनके बीच में पाया जाने वाला फोर्स कोहेजन कहलाता है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स है तो इसको कहते हैं एडिशन या एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहरहाल दोनों ही कंडीशन में इसका कॉमन नेम है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही वो फोर्स है जो इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब रखता है। और एक चीज और इससे बीच में डेवलप होती है और वो है मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद स्पेस। ये वो डिस्टेंस है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती है। या तो ये बिल्कुल नहीं होगी, नो इंटर मॉलिकुलर स्पेस, या ये मॉडरेट होगी, इंटर मॉलिकुलर स्पेस बहुत कम से या बिल्कुल नहीं से कुछ ज्यादा, या ये बहुत ज्यादा होगी यानी इंटर मॉलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा। तो इससे एक बात समझ में आती, इससे एक बात ये समझ में आती है कि अगर इंटर मॉलिकुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है तो इससे ये साबित हुआ कि इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के इतना करीब रखे हुए है कि उनके बीच में स्पेस नहीं है या ना के बराबर है। और अगर कुछ स्पेस है, इंटर मॉलिकुलर स्पेस अगर मॉडरेट है या कुछ पाया जाता है तो इसका मतलब है इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमने पहले जिक्र किया था। तो लेस स्ट्रांग या ये भी मॉडरेट किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और अगर इंटर मॉलिकुलर स्पेस हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है तो इससे ये साबित हुआ कि इसके इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, वीक है, वीकेस्ट है। और बच्चों इसी बुनियाद पर यानी दो चीजें इंटर मॉलिकुलर स्पेस और इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो कोहेजन हो, इन्हीं की बुनियाद पर इस चीज का क्लासिफिकेशन होता है कि मैटर कितनी स्टेट्स में मिल सकता है। इट इज ऑल ऑलरेडी डिपेंडेंट अपॉन द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस। ये दो चीजें डिसाइड करती हैं कि जो मैटर है उसकी स्टेट क्या होगी। तो हम लोग सुनते आए हैं या सुनते रहे हैं कि मैटर की तीन स्टेट्स, अभी आप इतना ही जानिए, हालांकि हम आगे बढ़ेंगे तो हम और जानेंगे कि मैटर की दो स्टेट और हैं। यानी अब जो हम मैटर की स्टेट पढ़ाते हैं वो पांच स्टेट पढ़ाते हैं, लेकिन अभी आपकी बुक डिस्कस कर रही है अबाउट थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम तीन ही की बात करेंगे। तो चलिए निकालते हैं उसको, कैसे स्टेट ऑफ मैटर सामने आती है। तो हमने देखा कि अगर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और इंटर मॉलिकुलर स्पेस बहुत कम है, निग्लिजिबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल हैं उस मैटर में, उस चीज में, वो क्लोजली पैक्ड होंगे, बहुत करीब होंगे एक दूसरे के, क्लोजली पैक्ड होंगे, बिकॉज द अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड द स्पेस इज वेरी लेस अमंग द मॉलिक्यूल्स। ये दो चीजें डिसाइड कर रही हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और ये स्टेट सामने निकल के आएगी, इसको हम कहेंगे ये है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अब अगर मॉडरेट स्पेस है, कुछ स्पेस पाया जाता है, और इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले में कम है, लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स कुछ दूर दूर चल फिर सकते हैं, और ये डिसाइड करेगा कि मैटर की जो स्टेट है उसको हम कहेंगे कि ये लिक्विड स्टेट है। और अगर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट एंड देन मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर,
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज, तो फिर हम एक डिसीजन लेंगे कि ये जो मैटर की स्टेट है ये गैसियस स्टेट है। तो हमारे सामने दो चीजों की बुनियाद पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बुनियाद पर मैटर की तीन स्टेट सामने निकल के आई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड में चूंकि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए सॉलिड की शेप हमेशा डेफिनेट होती है और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। जो चीजें अपनी जगह पर कायम रहती हैं उसी को हम डेफिनेट के नाम से कह रहे हैं। तो सॉलिड में ये चीजें क्लोजली पैक्ड हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज आर वेरी लेस, तो फिर ये एक डेफिनेट शेप वाला और डेफिनेट वॉल्यूम वाला मैटर होगा। एंड वी से इट सॉलिड। सॉलिड के बारे में आप दो बातें याद रखिए कि इनकी शेप एक डेफिनेट शेप वाले होते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम वाले होते हैं। अब नंबर दो पर आइए, लिक्विड। लिक्विड में चूंकि मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली पैक नहीं है, इधर उधर चलने के लिए जगह इनके पास है, तो ये फ्लो कर रहे हैं। जब ये फ्लो कर रहे हैं तो इनका नाम हमने रखा है फ्लूइड या लिक्विड। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लेकिन है, अगर ना होता तो लिक्विड गायब हो जाता गैस की तरह। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, ये है लिक्विड स्टेट, इसको याद रखिए। उसके बाद अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो तो मॉलिक्यूल जो है वो मारे मारे फिरेंगे और उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, और ऐसा होता है किसी भी गैस के लिए। और ये बहुत तेजी से मूव करती हैं, यानी देखा जाए तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और इस तरह से ये गैसेस की कैटेगरी में रखे गए हैं, क्योंकि इनके पास जैसे लिक्विड में हमने कहा कि बह सकते हैं, तो इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होगा लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होगा। जैसे किसी भी लिक्विड को आप किसी भी बर्तन में रखिए, इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड, बट द वॉल्यूम विल नॉट चेंज। एक लीटर पानी या एक लीटर दूध को यू कैन पुट इट इन एनी शेप कंटेनर, बट द वन लीटर ऑफ द मिल्क और वाटर विल नॉट चेंज। गैसेस के बारे में ये है कि ना तो इनके पास कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही इनके पास कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये तीनों दोनों से अलग है बिल्कुल, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। चलिए उसके बाद आगे।